बिहार में नौकरी भर्ती का आ गया है ऑफर, तो वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब नहीं जाएंगे, आरजेडी में जाना हमारी एक गलती थी। तो वही बिहार के नियोजित शिक्षकों को दिसंबर में मिल जाएगी नई विद्यालय, तो बिजली दर भी नहीं बढ़ाई जाएगी। वही विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सहूलियत वाली बात सरकार करने लगी है, तो वही मुखिया जी और वार्ड सदस्य और सरपंच साहब को नाराज होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मिल सकती है इनको लिए इनके लिए खुशखबरी, और पैक्स चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अब कर्मचारी और पदाधिकारी जुट गए हैं, तो वहीं बिहार में लगातार चुनाव की चर्चा के साथ उपचुनाव की तिथियों की ऐलान कर दिया गया है और इसकी तैयारी में विभिन्न पार्टी पीछे है, तो वहीं जन सुराज ने भी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में चुनाव की चर्चा के साथ साथ कर्मचारी की हल्ला बोल जारी रहती है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के दीपावली को तोहफा केंद्रीय कैबिनेट से मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के अच्छी और बेहतर खबर वाली चैनल, और इसमें हम बताएंगे खबर बिहार में बातें करेंगे बिहार की, और बिहार के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ है चल रही है तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे सुनील बॉबी नाम है हमारा, और लगातार आपके लिए हम डेली न्यूज लेकर आते रहे। तो सबसे पहले हम युवाओं की अब बात करेंगे, हर पहली खबर को हम युवाओं के लिए रखेंगे और युवा के लिए वह खबर होगी जॉब की खबर, वैकेंसी की खबर। तो आज हम बता देते हैं अवसर है यंत्र इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप 1 साल का होगा, इसका मकसद भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्किल इंडिया को प्रमोट करना है। यंत्र इंडिया लिमिटेड में 4,039 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी रक्षा कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड ने आईटीआई और नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के 4,039 पदों पर भर्ती निकाली है। कंपनी ने सभी इसका शॉर्ट नोटिस जारी किया है। यंत्र इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप 1 साल के लिए होगी, इसका मकसद भारत सरकार ने फ्लैगशिप प्रोग्राम स्किल इंडिया को प्रमोट करना है। आवेदन शुरू संभावित अक्टूबर 2024 लास्ट वीक में होने की बातें की जा रही है, लास्ट डेट अभी जारी नहीं किया गया है। वही शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले तो शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10वीं पास, संबंधित क्षेत्र में आईटीआई डिप्लोमा होनी चाहिए। अगर बात आयु सीमा की कर ले तो उम्मीदवार का अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आप आवेदन कैसे करेंगे इस पर अगर बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आवेदन फॉर्म भरें। आवेदन का शुल्क निःशुल्क होगी, यह बड़ी खबर है कि आवेदन निःशुल्क भरे जाएंगे। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, दीपावली का मिल गया है गिफ्ट, सभी हो गए हैं खुश। दीपावली से पहले केंद्र का कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है, और इस बढ़ोतरी के साथ ही बिहार में भी कैबिनेट से मुहर लगने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर डीए में 3% बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया, यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बोले शिक्षा मंत्री, हमने उदार नीति बनाई है, बिहार में हम इन शिक्षकों की पोस्टिंग कर देंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह नीति बनाई गई है, जिनको भी कुछ समस्या है इस नीति से वह जिला स्तर पर गठित कमेटी के सामने अपना पिटीशन देंगे।
इस नीति में किसी तरह की आगे सुधार की जरूरत महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल हम दिसंबर में इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में सुनील कुमार ने यह बात कही है। शिक्षा मंत्री ने 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए मिल चुकी है मंजूरी। अभियंताओं की कमी से निर्माण कार्य हो रहे बाधित। आपको बताते चले, अभियंताओं की कमी से जूझ रहे ग्रामीण कार्य विभाग में 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विभाग ने प्रारंभिक कार्य भी पूरे कर लिए हैं। पिछले दिनों कैबिनेट ने इसकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। शीघ्र ही विभाग इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। दरअसल विभाग ने 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी है, लेकिन वहां से नियुक्ति में फिलहाल विलंब की आशंका को देखते हुए विभाग ने इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक नियोजन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इस समय ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर सड़क व पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, सड़कों व पुल पुलियों के मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। विभाग इन कार्यों के लिए सहायक अभियंताओं की कमी महसूस कर रहा है। विभाग में सहायक अभियंताओं के 883 पद स्वीकृत है, लेकिन मात्र 507 ही कार्यरत हैं। शेष 231 पद रिक्त फिलहाल पड़े हुए हैं। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि बिहार में बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, आप निश्चिंत रहें। बताते चले कि विद्युत विनियामक आयोग ने शुल्क में बढ़ोतरी संबंधी बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका खारिज की है। बिहार में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि आयोग ने कंपनी की ओर से उठाए गए बिंदुओं का समाधान कर दिया गया है। खासकर कंपनी के खर्च का हिसाब और आमदनी को दुरुस्त कर दिया गया है। दरअसल इस साल मार्च में विनियामक आयोग ने नई बिजली दर तय किया था, जो 1 अप्रैल से लागू कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से लागू है। उस समय आयोग ने बिजली दर में वृद्धि के बदले 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी थी। इस पर कंपनी ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कंपनी ने 17 बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। कंपनी ने तर्क दिया था कि आयोग ने पैसों का हिसाब सही तरीके से नहीं किया है, खासकर कंपनी की आमदनी, खर्च और बिजली की खरीद मूल का जोड़ सही तरीके से नहीं किया गया। अगर सही तरीके से मूल्यांकन हो तो बिहार में बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल यह साफ हो गया है कि बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं होगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी बात फिर से दोहराया है, कहा है कि दो बार गलती से चला गया था इधर उधर, अब कभी नहीं करेंगे गलती। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाने को लेकर अपनी गलती स्वीकार किया है। वहीं हम आपको बता दें कि हम पार्टी अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का दावा, कहा कि बिहार में प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। वहीं हम आपको अगली खबर के रूप में बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है और उस पर अब बातें भी आने लगी है, बयानबाजी भी होने लगी है। उन्होंने सीएम ने कहा है कि गलती से चला गया था इधर उधर, अब आरजेडी में नहीं जाएंगे। वहीं बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते दिन बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान की हुई है शुरुआत और उन्होंने शुरुआत की है। वहीं स्कूलों की रैंकिंग नवंबर और मार्च में होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों के प्रदर्शन की एंट्री पोर्टल पर शुरू हुई। स्कूलों की रैंकिंग में सर्वाधिक 20 अंक बच्चों के औसत प्रदर्शन पर है। 85 से अधिक अंक लाने वाले स्कूलों को 5 स्टार मिलेंगे, तो अब स्कूलों में रैंकिंग भी होगी। इधर सहूलियत दी गई भूमि सर्वे कर्मियों को कैथी लिपि की पुस्तिका मिलेगी। सर्वे निदेशालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुस्तक की जाएगी अपलोड। विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई है खास बैठक। कैथी लिपि की जानकारी नहीं होने से खतियान लेखन में हो रही है समस्या। 929 गांवों में विशेष सर्वेक्षण खतियान और नक्शे का हो चुका है अंतिम प्रकाशन, तो यह सुविधा भी दी जा रही है कि कोई दिक्कत नहीं हो। इधर पटना जिले में 131 नए पंचायत सरकार भवन बनेंगे। 112 पंचायत सरकार भवन का हो रहा है निर्माण। 60 से अधिक भवन पहले से बनकर है तैयार। आपको बताते चले कि पटना जिले में 131 गांवों में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। भूमि चिन्हित करने का काम अंतिम चरण में जारी है। वहीं पूरे बिहार में लगातार बिहार सरकार पंचायत भवन बनाने का काम जारी है और जगह जमीन के बीच सर्वे हो रही है और जहां हुआ है वहां भी काम तेजी से शुरू है। इधर बिहार के मुखिया जी सरकार से खपा हैं और मनरेगा के कार्यों में कमियां गिनाते हुए अपने हक और अधिकार के लिए
काम को भी ठप कर रहे हैं। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच की बातें सुनते हैं या फिर अनदेखी कर देते हैं। लोगों का मानना है कि अगर सरकार इनकी बातों को अनदेखी करती है तो चुनाव में उन्हें काफी खरी खोटी सुनना पड़ सकता है। इधर पंचायत प्रतिनिधि एक दूसरे के बेहतर कार्यों को सीखेंगे। पंचायती राज विभाग के द्वारा यह बातें आई है। दूसरी पंचायतों में बेहतर काम से पंचायत प्रतिनिधि सीख लेंगे। इसके लिए मापदंड पर बेहतर काम करने वाले ग्राम पंचायतों का भ्रमण अन्य पंचायत के प्रतिनिधियों को कराया जाएगा। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बीते दिन विभागीय सभागार में स्वास्थ्य पंचायत विषय पर पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 16 अक्टूबर को राज्य की 40 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड स्थित मोतीपुर ग्राम पंचायत में जाकर स्वस्थ पंचायत निर्माण से संबंधित जानकारी प्राप्त किया। वहीं पाक पहुंचे जयशंकर, पीएम शहबाज से मिले। भारत के विदेश मंत्री एससीओ के सम्मेलन में होंगे शामिल। आपको बताते चले कि विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीते दिन इस्लामाबाद पहुंचे। जयशंकर का विमान इस्लामाबाद के नूरखाने एयरबेस पर उतरा। एयरबेस पर वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्वागत किया। करीब 9 वर्षों में पहली बार जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। पिछली बार सुषमा स्वराज पाकिस्तान पहुंची थी। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को 2 दिवसीय एसईओ काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जयशंकर ने एयरपोर्ट पर फूलों से उनका स्वागत कर रहे बच्चों और अधिकारियों की तस्वीरें भी पोस्ट की है। जयशंकर शाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ द्वारा आयोजित भोज में शामिल भी हुए। तो लगातार भारत और पाकिस्तान की बातें फिर से चलने लगी है। वहीं 6G नेटवर्क में ऊंची छलांग की तैयारी है। आप अभी 2G, 3G, 4G और 5G का आनंद ले रहे हैं, अब तो 6G का एंजॉय करना है। तो 6G नेटवर्क में ऊंची छलांग की तैयारी चल रही है। 6 GB प्रति सेकेंड की इंटरनेट सेवा का ट्रायल सफल हो गया है और 2030 तक पूरे देश में होगा नेटवर्क। आपको बता दें कि देश में यानी भारत में अपना 2028 से 6G इंटरनेट सेवा शुरू होने की उम्मीद जागी है। ऐसा हुआ तो 2030 तक यह नेटवर्क पूरे देश में होगा और इसका आप आनंद भी ले सकते हैं। अगले 5 से 7 वर्षों में देश के अंदर दूरसंचार के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने की संभावना बताई जा रही है। 6G की तकनीकी विकसित करने की दिशा में शुरुआती ट्रायल सफल रहे हैं। 6G की नेटवर्किंग के जरिए 1 सेकेंड से भी कम समय में इंटरनेट की गति 6000 Mbps यानी कि 6 GB प्रति सेकेंड होगा तय ले जाने की सफलता मिली है। इसे कुछ यूं समझ सकते हैं कि महज एक सांस लेने छोड़ने में 3 GB की फिल्म डाउनलोड हो जाएगी। यानी कि सांस लेने और छोड़ने में जितना समय लगता है उतना 3 GB का जो वीडियो है वह डाउनलोड हो जाएगा। समझ लीजिए, सांस लेने या छोड़ने में। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम आपको बता दे कि इस तरह की सेवा होगी तो कुछ घाटा भी होगा। अगले चरणों में ट्रायल में इस गति को 100 GB प्रति सेकेंड तक ले जाने की कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर द्वारा तकनीक विकसित करने की दिशा में काम फिलहाल चल रहा है। तो 6G की आनंद लेने के लिए आप इंतजार कीजिए, देश अपना काम कर रहा है। इधर आभूषण बनाने से पहले सोने की हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी। इस जनवरी से आयातित स्वर्ण धातु और गोल्ड बुलियन पर लागू होगा नया नियम। हॉल मार्किंग की शुद्धता होगी 22 कैरेट 916 यानी कि 91.6% शुद्धता की गारंटी होगी। सोना रिकॉर्ड स्तर पर फिसला, चांदी 1000 रुपये लुढ़की है। हॉल मार्किंग यहां पहले लागू था और पुलिस के सभी आईओ को मिलेगा लैपटॉप और स्मार्टफोन। कैमूर और रोहतास के 117 गांव के 21,644 घरों को ग्रिड से बिजली, परीक्षा व अनुभव के आधार पर होगी फार्मासिस्ट की नियुक्ति। कैबिनेट की मुहर में लगी है इस पर। वहीं स्मार्ट सिटी पेयजल को 40 करोड़ रुपए मिले। जल मीनार के साथ ही कुल
33,120 घरों में पानी का कनेक्शन भी दिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने योजनाओं के लिए जारी की है राशि। वहीं CMR जमा नहीं करने पर 100 पैक्सों से 5 करोड़ वसूला जाएगा। आपको बता दें कि पटना जिले में 10 पैक्सों से 5 करोड़ रुपए वसूला जाएगा। वहीं सहकारी समितियों द्वारा समय से धान अधिप्राप्ति प्राप्त करने के बाद भी चावल जमा नहीं होने को लेकर 7 प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से शो कॉज भी किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मांग उनकी यह है कि हमारा पोस्टिंग जल्द किया जाए, तबादला जल्द किया जाए। अब देखना यह होता है, मजे की बात कि विभाग उनका पोस्टिंग जो है दिसंबर तक कर पाती है या फिर से हवा हवा ही बातें होती है। या इधर बिहार के मुखिया जी और सरपंच साहब वार्ड सदस्य भी अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल अपनी मांगों को हम तक पहुंचाएं, आपकी बात उठाएं, तो फिर इसी बीच आपको छोड़े जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।